सो गाइस, अगर आप भी अपना फ़ोन यहाँ पे चार्जिंग पे लगाते हैं और जैसे बैटरी फुल हो जाती है तो आप उसे निकालने के लिए भूल जाते हैं, मतलब 1-2 घंटा वो एक्स्ट्रा ऐसे ही चार्जिंग पे लगा रहता है। तो क्या गाइस, इसी को देखते हुए मैं आपके लिए एक ऐसा बेहतरीन ऐप लेकर के आया हूँ जिससे क्या गाइस, जैसे ही आपका फ़ोन यहाँ पे फुल चार्ज हो जाएगा तो आपका फ़ोन खुद आपका नेम लेकर के चिल्लाने लगेगा कि भाई मैं यहाँ पे फुल हो गया हूँ, मुझे निकाल लो आ करके, ठीक है। या गाइस, आप ये चाहते हैं कि जैसे ही आप फ़ोन को चार्जिंग पे लगाएं तो आपका फ़ोन आपका नाम लेकर के आपको शुक्रिया अदा करे, ठीक है, बोले थैंक यू भाई चार्जिंग पे लगाने के लिए। या आप ये चाहते हैं कि आपके फ़ोन की बैटरी लो हो जाए तो आपका फ़ोन अनाउंस करके बताने लगे कि भाई बैटरी लो हो गई है चार्जिंग पे लगा ले आ करके, ठीक है। तो मतलब ये फीचर्स इस ऐप पे दिए गए, आप बड़ी आसानी से अपने फ़ोन को यहाँ पे अनाउंस के लिए सेट कर सकते हैं कि जैसे आप चार्जिंग पे लगाएंगे तो आपका नेम लेकर के आपका फ़ोन थैंक यू बोलेगा, ठीक है। तो ये ऐप कौन सा और कैसे वर्क करता है, इसमें आप कैसे सेटिंग करेंगे, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कमाल का होने वाला है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो इसके लिए गाइस, सबसे पहले आपको बैटरी साउंड और नोटिफिकेशन ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। बाकी इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप डायरेक्टली वहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल होने वाला आपको इस ऐप को ओपन करना होगा, ठीक है। जैसे ऐप ये यहाँ पे ओपन होता है तो ऐसी विंडो आपके सामने आएगी। अब आपको सिंपल से यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे परमिशन का मांग रहा है, तो सिंपल से आपको इसमें क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले ओवर अदर ऐप की परमिशन मांग रहा है, तो आपको सिंपल से इसे यहाँ पे अलाउ कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे इसे बैक कर देना है, ठीक है। बैक कर देंगे जैसे, तो आपके सामने यहाँ पे बैटरी साउंड नोटिफिकेशन की यहाँ पे परमिशन मांगे, तो सिंपल से आपको इसमें क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिकेंगे फिर बैटरी साउंड नोटिफिकेशन चेक पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ऐसा पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे सीधे से बैक कर देंगे, ठीक है। बैक कर देंगे, ये ऐप यहाँ पे चालू हो चुका है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लस वाला आइकन बना हुआ है, सिंपल से आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ऐसा पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है मोड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो कनेक्टेड, डिसकनेक्टेड, फुल बैटरी, लो बैटरी। तो आपको किस मोड पे यहाँ पे लगाना है, सबसे पहले आपको कनेक्टेड पे लगाना है कि जैसे आप चार्जिंग पे फोन लगाएं तो आपका फोन अनाउंस करके बोलने लगे, ठीक है। तो कनेक्टेड पे रहने देंगे, यहाँ पे आइडियो फाइल को आप चूज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे फाइल एक्सप्लोर पे जाके आपके फोन में जो भी फाइल्स लगी होगी, जो भी रिंगटोन आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। बाकी अगर आपको अपनी नेम का लगाना है तो यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स टू स्पीच का लिखा हुआ है, तो आपको इसमें अपनी टैक्स डाल देनी, ठीक है, जो भी बुलवाना चाहे। जैसे मैं अपना नेम यहाँ पे बुलवाना चाहता हूँ थैंक यू हिमालय, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। आप जो भी बुलवाना चाहें, मान लीजिए मैं थैंक्स ही बुलवाना चाहता हूँ, ठीक है, तो थैंक्स का डाल देंगे इतना। उसके बाद यहाँ पे इसे बैक कर देना है, ठीक है। तो ये टैक्स टू स्पीच वाला यहाँ पे आ जाता है, तो इससे क्या होगा कि आपका यही जो यहाँ पे स्पीच लिखेंगे तो वही यहाँ पे बोलेगा, जब भी आप मतलब चार्जिंग पे अपना फ़ोन लगाएंगे तो यहाँ पे थैंक्स बोलेगा आपका फ़ोन, ठीक है, जो भी स्पीच यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे ये एक ऐसे हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे इसे सेव कर देना है। तो जैसे सेव कर देंगे तो ये थैंक्स वाला सेव हो चुका है, मतलब कनेक्टेड वाला आपका सेव हो चुका है कि चार्जिंग पे जैसे फ़ोन कनेक्ट करेंगे तो आपका थैंक्स बोलेगा। जैसे इसमें क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये थैंक्स वाला मैंने यहाँ पे बना दिया। अब आपको यहाँ पे बनाना है डिसकनेक्टेड वाला, तो क्या करेंगे, फिर से आपको यहाँ पे इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, डिसकनेक्टेड वाले में जाएंगे और फिर से यहाँ अपने आइडियो फाइल लगाना चाहे तो आइडियो फाइल लगा सकते हैं, रिंगटोन, टैक्स टू स्पीच जो भी लगाना चाहिए वो लगा सकते हैं, ठीक है। डिसकनेक्टेड में वही प्रोसेस है। अब यहाँ पे आपको बता दें फुल बैटरी वाला, तो फुल बैटरी वाले में आपको क्लिक करना है। जैसे इसमें क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आपसे परसेंटेज मांगा जा रहा है कि कितनी बैटरी फुल होने पर आपका फ़ोन अनाउंस करे, तो यहाँ पे आप परसेंटेज डाल लेंगे। जैसे 80% में अगर अनाउंस करवाना है तो 80 डाल देंगे यहाँ पे, अगर आपको 100% में करवाना है तो 100 डाल देंगे, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से वही फाइल वगैरह सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे टैक्स टू स्पीच पे जाकर, रिंग टोन जा करके जो भी करना चाहें वो यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लो बैटरी वाला भी है, लो बैटरी पे ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक, यहाँ पे आपको परसेंटेज डाल देना है कितनी बैटरी कम होने पर आपका फ़ोन अनाउंस करे, तो परसेंटेज वगैरह यहाँ पे डाल करके और वहाँ यहाँ पे आपको सेट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे सेट कर देंगे, जैसे 90 में कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे सॉरी 900 हो गया, यहाँ पे 90 कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे इतना करने के बाद यहाँ पे अपनी रिंगटोन वगैरह जो भी सेलेक्ट करना चाहें वो यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टैक्स टू स्पीच वाला जैसे कर देता हूँ। इतना करने के बाद आपको इसे फिर से यहाँ पे सेव कर देना है, ठीक है। जैसे सेव कर देंगे तो यहाँ पे ऐसे ही सेव हो जाएगा। सो मान लीजिए कैसे, अब आपको यहाँ पे सुनना है कि आपने जो टैक्स डाला है कैसा मतलब बोलेगा, तो सिंपल से यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ प्ले वाली बटन आती है, तो आपको उसमें क्लिक करके सुन सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया थैंक यू हिमालय जी, ठीक है। तो जैसे ही चार्जिंग कनेक्टर लगाऊंगा मैं चार्जिंग में फ़ोन के लिए, तो ऐसे ही बोलेगा थैंक यू हिमालय जी, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके आप सुन सकते हैं। थैंक यू हिमालय जी,
ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा बोलेगा। तो आप ऐसे यहाँ पे कर सकते हैं, बाकी आप चाहें तो अपनी रिंगटोन वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं फ़ोन से। काफ़ी रिंग मैकर यहाँ पे आते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट पे आते हैं, तो अपना नेम डाल करके वहाँ पे मैकर बना सकते हैं, उसका कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे आइडियो फाइल लगा सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे बोलेगा। बाकी टेक्स्ट स्पीच का यहाँ पे दिया गया है, तो आप जो भी बुलवाना चाहते हो यहाँ पे लिख देंगे, वही वहाँ पे बोलेगा। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी अगर आपको यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो, नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कि कमेंट का रिप्लाई यहाँ पे जरूर करूँगा। सो गाइस, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही था। सो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और गाइस, अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरे हर नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। सो गाइस, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।